शाहरुख खान का कहना है कि जब वो विलन बनता है तो फिर असली विलन सामने आता है, जबकि विजय सेतुपति का कहना है कि वो है विलन। तो जवान फिल्म में विलन कौन है? क्या शाहरुख खान का एक बेटा भी है? क्या दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान की बीवी बनी है? क्या शाहरुख खान के बालों का कलर असली है या वो हेयर डाई लगाता है? क्या जवान इंडिया में गदर के बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? क्या जवान वर्ल्ड वाइड में पठान का बिजनेस का रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? इन सारे सवालों का जवाब तो हमें 7 सितंबर को पता चलेगा, लेकिन आज जवान के ट्रेलर पे कुछ बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। जवान का ट्रेलर फिल्म के रिलीज से ठीक एक हफ्ते पहले रिलीज हुआ है। आमतौर पर फिल्म का ट्रेलर एक महीने पहले आता है, लेकिन इसी हफ्ते में पहले जवान का एक गाना रिलीज हुआ और अब ट्रेलर, और इस ट्रेलर को देखने के बाद फिल्म की कहानी आपके सामने आने के बजाय आपके जहन में बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे हैं, और इन सवाल के जवाब के लिए अब आपका फिल्म देखने जाना लाजमी बनता है। फिल्म के ट्रेलर में पहली कंफ्यूजन ये दिखाई है कि अगर शाहरुख खान मुल्क के लिए लड़ रहा है तो फिर उसने अपने ही मुल्क की ट्रेन क्यों हाईजेक की है? अपने ही मुल्क की ट्रेन हाईजेक करके वो क्या मकासद हासिल करना चाहता है? अगर उसने विजय सेतुपति को मना कर दिया था कि वो उससे डील नहीं करेगा तो फिर उसने ट्रेन क्यों अगवा की है? वो क्या वजह है कि अवाम उसके साथ है, अवाम उसकी फैन है? वो 6 लड़कियां कौन है और क्या उन 6 लड़कियों का विजय सेतुपति से कोई ताल्लुक है? क्या उन 6 लड़कियों का भी कोई पास्ट है? उनके साथ कोई जुल्म है कुछ? क्योंकि कुछ ऐसे ग्लिम्स आए हैं जिसमें लड़कियों के साथ या औरतों के साथ जुल्म हो रहा है, और फिर उसके जवाब में ये लड़कियों की फौज शाहरुख खान ने बनाई है। दीपिका पादुकोण कौन है, क्या है, उसका क्या कैरेक्टर है, ये आपको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। एक जगह शाहरुख खान ने डायलॉग बोला है, बेटे से पहले बाप को से मिलना होगा। तो अगर शाहरुख खान बाप है तो फिर बेटा कौन है? फिल्म के ट्रेलर के में अगर एक्शन की बात की जाए तो एक्शन की क्लास बहुत आला है, लेकिन फिल्म एक्शन पे नहीं चलती, लेकिन फिल्म में इमोशन भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ कुछ जुल्म हुआ है, और यकीनन शाहरुख खान की भी अपनी कोई पास हिस्ट्री होगी। नयनतारा पुलिस वाली बनी है, और नयनतारा का आव भाव जो है वो आपको मनी हिस्ट की पुलिस वाली को आव भाव को याद कराएगा। लेकिन बहरहाल नयनतारा अपने किरदार में फिट लग रही है, शाहरुख खान अपने किरदार में फिट लग रहा है। जो आदमी शाहरुख खान को टेंशन दे सकता है वो है विजय सेतुपति। उसको अभी तक छुपा के रखा था, वो दुनिया में 4th नंबर पे असले का सबसे बड़ा ताजिर है, तो बाकी 3 ताजिर कौन है? हीरो की लड़ाई को 4th नंबर के बंदे से क्यों लड़ाया गया? क्योंकि हीरो की लड़ाई तो दुनिया में सबसे बड़े विलन से होनी चाहिए थी। खैर, इससे क्या फर्क पड़ता है? हो सकता है दुनिया में 4th नंबर पे और इंडिया में वो 1st नंबर का असले का ताजिर हो। विजय सेतुपति का जो लुक है वो मल्टी है, कहीं वो बगैर दाढ़ी के है और जेल में जबान चिढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं वो सफेद बालों और दाढ़ी के साथ ग्लेयरिंग लुक देता हुआ नजर आ रहा है। यकीनन शाहरुख खान तो इस फिल्म का हीरो है, लेकिन इस फिल्म में हीरो को वाकई में विलन बहुत भारी पड़ने वाला है, क्योंकि विजय सेतुपति किसी भी तरीके से एक हल्का अदाकार नहीं है। जब से जवान में विजय सेतुपति का नाम अनाउंस हुआ था, मेरे जहन में ये बात आ रही थी कि शायद अमिताभ के बाद शाहरुख खान को पहली बार किसी अदाकार के सामने खड़े होकर अदाकारी करते हुए पता चला होगा अदाकारी किसको कहते हैं। लेकिन शाहरुख खान नंबर 1 अदाकार है और विजय सेतुपति भी नंबर 1 अदाकार है। हम विक्रम वेदा में देख चुके हैं किस तरह वेदा का कैरेक्टर जो है वो विक्रम के कैरेक्टर पे भारी पड़ गया था। इसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं है कि काली का कैरेक्टर जो है जवान पे भारी पड़ जाए। बहरहाल शाहरुख खान संभाल लेगा, शाहरुख खान के बालों के रंग असली हैं या नहीं, लेकिन देखने में तो असली लगते हैं। फिल्म के पहले 2 गाने जो थे वो यकीनन इतना इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सके थे, लेकिन अब ये जो रमैया वत्तावैया गाना आया है ये गाना भी कमाल धमाल है, और ये सिनेमा में सीटी बजाने और सिनेमा में डांस करने वाला गाना है। फिल्म हर तरह से 12 मसाले की चाट लग रही है। वो लोग जो मास एंटरटेनमेंट चाहते हैं, वो जो सिनेमा में बैठ के सीटियां बजाना चाहते हैं, तालियां बजाना चाहते हैं, हीरोशिप देखना चाहते हैं, जालिम विलन देखना चाहते हैं, बेरहम और सफाक, मुझे यकीन है कि जवान में उनको वो सब कुछ मिलेगा। साथ में कुछ गाने, कुछ डांस, कुछ बैकग्राउंड स्टोरी और थोड़ी थोड़ी कॉमेडी भी होगी, जैसे कि तुम्हें क्या चाहिए आलिया भट्ट, जिससे साफ साबित हो रहा है शाहरुख खान ने एक ऐसे शातिर बंदे का किरदार अदा किया है जो इंतहाई टेंशन के हालात में भी अपने दिमाग को ठंडा रखता है, और ऐसा आदमी यकीनन खतरनाक होता है। मुझे यकीन है ये फिल्म पठान और गदर का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और इसी महीने सलार शायद इसका भी रिकॉर्ड तोड़ जाए। सलार का ट्रेलर आए तो फिर जवान और सलार के ट्रेलर का एक दफा फिर कंपैरिजन भी करेंगे।
आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।